स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। ये स्क्रीनशॉट ले लो, दिस इज जस्ट फॉर योर व्यू। आपको याद नहीं करना है, एक आपका जो कहते हैं ना कि अपने लिए आप कैसे क्लासिफाई हो होमो सेपियंस का, उसमें कंप्लीट आपको जो आप सेवन हायरार्की पढ़ रहे हो, एक्चुअली वो सेवन मेन हायरार्की है, उसके अंदर कई सारे सब क्लास, सब सब ग्रुप्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, सब टैक्सॉन प्रेजेंट है वहां। ओके, यू कैन सी हियर, होमो सेपियंस का है ये डोमेन, किंगडम, सब किंगडम, इंफ्रा किंगडम, डिवीजन, सब डिवीजन, सेक्शन, फाइलम, सब फाइलम, डिवीजन, सुपर क्लास, क्लास, सब क्लास, इंफ्रा क्लास, ऑर्डर, सब ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, सब स्पीसीज। आप क्या पढ़ रहे हो? स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, दिस इज फॉर योर नॉलेज। यहां से एग्जाम्पल में क्वेश्चन आएगा तो यूथेरिया इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है, इंफ्रा क्लास जो हम मार्क कर रहे हैं, ध्यान से देखना। ओके, इंफ्रा क्लास यूथेरिया। ओके बेटा, बाकी आपको याद नहीं करना है, यू हैव टू नो दैट। अब जो आपने अरेंजमेंट देख रहे हो उसमें एक एमसीक्यू आता है सीक्वेंस के लिए, टैक्सोनॉमी का सीक्वेंस क्या है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में दिया है कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। ओके, बट इसका राइट सीक्वेंस क्या होता है? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। फिर से सुनो इसको ध्यान से, हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे सिमिलरिटीज को, जो ऑलरेडी अननोन है, जो न्यू स्पीसीज आप देख रहे हो या आपके लिए वो अननोन है, ऑलरेडी डिस्कवर्ड है, तो उसको आप कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे कुछ टैक्सोनॉमिकल एड को यूज करके, हेल्प को लेके आप आइडेंटिफाई करते हो, जिसको नॉलेज होगा या जिस डॉक्यूमेंट में नॉलेज होगी उसके थ्रू आप आइडेंटिफाई करते हो फर्स्ट। ठीक है, तो कंपेयर किससे किया आपने? नोन को। किसको, किसके लिए? अननोन के लिए। अननोन को जानने के लिए ऑलरेडी जो नोन डेटा है उससे आपने कैरेक्टर के बेसिस पे कंपेयर करके उसको आइडेंटिफाई किया, तो फर्स्ट कैरेक्टराइजेशन, सेकंड आइडेंटिफिकेशन, थर्ड उसको नेमिंग दे दिए। अब नेमिंग दे दी तो फिर उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख के हम उसका फैमिली, ऑर्डर, क्लास, ये सभी चीजें आइडेंटिफाई करके उसको क्लासिफाई करते हैं। इज इट क्लियर? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। सीक्वेंस पूछा जाता है बेटा, सीक्वेंस आप फोकस करना। ये ओल्ड सीक्वेंस है जब आपका क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर रहता है, और आपका राइट सीक्वेंस क्या है? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। सी आई एन सी, सी आई एन सी। ओके, एक आप और स्क्रीनशॉट ले लो, आप रिवाइक्यू सॉल्व करोगे तो आपको इस तरीके के टैक्सोनॉमी की लिस्ट मिलेंगी, क्वेश्चंस मिलेंगे। आर्टिफिशियल टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन, केमो टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन, साइटो टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन, फाइलोजेनेटिक टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन, कैरियो टैक्सोनॉमी, मॉर्फो टैक्सोनॉमी, इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें साइटो, कैमो और फाइलोजेनेटिक न्यूमेरिकल, आप बस उनको सॉल्व करने के लिए आप रख लें। ये सब अब आते नहीं है, बट आपको सॉल्व करना है पीवाईक्यूज। मिनिमम 10 इयर्स के पीवाईक्यूज आपको सॉल्व होने चाहिए, 20 इयर्स तक तो करवा ही देंगे, हम ही करा देंगे आप। ओके, जस्ट केस आप नहीं, हम मतलब कर रहे हो, कोई अलग से पीवाईक्यू लिए हो, तो मिनिमम 10 ईयर की आपको लास्ट में या पैरेलली आप जो करते जाते हो ना, जब हम पीडीएफ देते हैं तो उसमें पीवाईक्यूज ही हैं, उसको आप सॉल्व करते हो, तो मिनिमम 10 ईयर के जब आप करोगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ओके बच्चा, अब इसको हम डिटेल में नहीं बता रहे हैं,
आपको अगर कुछ पूछना होगा तो आप पूछना। देखो जैसे क्लासिफिकेशन अल्फा टेक्सोनॉमी बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल ट्रेंड, तो सबसे ओल्ड मैंने आपको बताया था कि कोई भी पुरानी चीज है वो कुछ बेसिस पे कैरेक्टरिस्टिक्स पे उसको क्लासिफाई किया गया, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी सबसे पहले आती है, बाहर से वो कैसे दिख रहा है। फिर बीटा टेक्सोनॉमी में थोड़ा अंदर की एंटर किया गया, उसके जेनेटिक्स, उसके एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को दिया गया। फाइलोजेनेटिक में मैंने आपको बताया, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को यहाँ पे देखा गया। तो दिस इज के कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक सभी में चल रहे होंगे, लेकिन किसी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेसिस वो क्लासिफिकेशन है। इज इट क्लियर? ओके, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी पूछा जाता है बेटा, ये ध्यान रखना। नंबर ऑफ शेयर्ड कैरेक्टर, न्यूमेरिक, न्यूमेरिक मीन्स कुछ तो यहाँ पे न्यूमेरिक होगा, मैथमेटिकल होगा, सिंबॉलिक होगा, इस तरीके से होगा। तो क्या देखा उन्होंने, नंबर ऑफ शेयर्ड कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर शेयर्ड है, ओके, ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म, जितने क्लोजली रिलेटेड, सबसे ज्यादा नंबर जिनके होंगे उनको एक एक ग्रुप में करते गए होंगे। चलो कैरियो वर्ड को यहाँ से पकड़ लोगे, तो कैरियो में न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियर एंड क्रोमोसोमल स्टडी को बेसिस माना गया उस क्लासिफिकेशन में, ओके? चलो बेटा, अब आपको दो तो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए थे नॉमेनक्लेचर के इंटरनेशनल सिस्टम, दो और आपको, तीन और नोट डाउन करने हैं। एक तो ये बैक्टीरियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इसका भी बी आता है बेटा, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में आप बैक लिखते हो, क्योंकि ICBN करोगे तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, BN बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, बैक एंड बैक्टीरियोलॉजिकल, किसी बैक्टीरिया की फाइंडिंग हुई है उसका नेमिंग सिस्टम डिसाइड करना होगा, तो कौन से इंटरनेशनल कोड को फॉलो करना होगा, ICBACN, ओके। वायरस होगा तो इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नॉमेनक्लेचर, ऑल्दो यू नो कि वायरस इज नॉट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट वायरस भी तो डिस्कवर हो रहा है बेटा, वायरस तो है ना, एग्जिस्ट तो करते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स पे कि क्यों है क्यों नहीं है। तो नेमिंग के लिए ICBN, ओके। और कुछ जो कल्टिवेटेड है, जो ह्यूमन ओरिजिन के हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, उनके नेम के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर कल्टिवेटेड प्लांट। एक बुक का नाम था सिस्टमा नेचुरी, एक बुक और आप नोट कर लो, स्पीसीज प्लांटेरम, जो फर्स्ट दिया था उन्होंने सिस्टमा नेचुरी एंड देन स्पीसीज प्लांटेरम, प्लांट से रिलेटेड 500 प्लांट्स की एंट्री थी इसमें। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगी, तो जस्ट टेक स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम आपकी एनसीईआरटी बैच देते हैं। हो गया सबका? सभी रिप्लाई करो जरा। आर्या, अथर्व, दीक्षा, एकता, इकरा, जानवी, सिहाना, मैत्री, मृणाल, प्रज्वल, रोहन, सफा, सानी। हो गया, ओके, गुड। अच्छा, सैटरडे टेस्ट है वो नोटिस आपको मिल गई है, ऑफलाइन टेस्ट होगा, सेंटर पे टेस्ट होगा, सो बी प्रिपेयर, ओके। सेंटर पे टेस्ट होगा, तो जो भी, अगर वैसे तो किसी को कहीं पे भी दो टेस्ट ईमानदारी से देना चाहिए, सेंटर पे आपको एकदम एग्जाम वाला माहौल मिलेगा, बढ़िया, आप वहां पे दीजिए रियल, क्योंकि अभी नीट तो पेन एंड पेपर मेथड पे ही होता है बेटा, पेन एंड पेपर मोड पे होता है, ऑनलाइन तो होता नहीं है, तो आपकी प्रैक्टिस इसी पर है तो ज्यादा अच्छा है। चलो ये हमने पढ़ा दिया, बस आप मार्किंग करो, सिंस इट इज नियरली जस्ट उसके पास है जहां पे रूल ऑफ नेमिंग सिस्टम था, बाइनोमियल नेमिंग सिस्टम के नीचे है पैराग्राफ, आप अंडरलाइन करो। सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज नेसेसरी टू डिवाइस सम मींस टू मेक दिस पॉसिबल, व्हिच इज मेक इजी फॉर द स्टडी और ग्रुपिंग, द मेथड इज नोन एज क्लासिफिकेशन, ओके।
क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू एनीथिंग एनीथिंग. आपको ये जनरल क्लासिफिकेशन हो गया, ये मैंने जब मैं पढ़ा रही थी तब भी मैंने ये मार्क किया था. एनीथिंग यहाँ क्यों लिखा है, क्योंकि ये जनरल क्लासिफिकेशन को कह रहा है. दिस इज नॉट अबाउट की लिविंग ऑर्गेन. आप किसी को भी ग्रुपिंग करके ही क्लासिफाई कर सकते हो. पेन हुआ, पेपर हुआ, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कोई भी देखो तो आप उसको ग्रुप करते हो. किसी कैरेक्टरिस्टिक्स पे करोगे बेस्ड, इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स. फॉर एग्जाम्पल, वी इजली रिकॉग्नाइज ग्रुप सच एज प्लांट्स और एनिमल्स और डॉग, कैट और इंसेक्ट. द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दिस टर्म्स, वी एसोसिएट सर्टेन कैरेक्टर्स विद द ऑर्गेनिज इन दैट ग्रुप. कुछ ना कुछ हमेशा कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी. What image do you see when you think a dog? Obviously, each one of us will see dog and not cat. ठीक है, सोचो तुम डॉग को इमेज करो तो तुम्हारे सामने डॉग देखा हुआ है तो आपके मन में एक इमेज बनी डॉग की बनेगी, कैट की नहीं बन जाएगी. ठीक है, नाउ इफ वी वर थिंक ऑफ एसेटियंस, वी नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. ओके, वहां पे इस पर्टिकुलर ग्रुप से रिलेटेड पॉपुलेशंस की आपने बात की. ओके, सिमिलरली सपोज वी वर टू से मैमल, मतलब क्या बोलने से आपके इमेज क्या बन रही है. यू वुड ऑफ कोर्स थिंक ऑफ एनिमल्स विद एक्सटर्नल ईयर एंड बॉडी हेयर. दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल, मैमरी ग्लैंड. लाइकवाइज इन प्लांट वी ट्राई टू टॉक ऑफ व्हीट, गेहूं. The picture in each of our mind will be of wheat plant. वो कब आएगा, जब आपने wheat plant देखा होगा. Not for rice or any other plant. मतलब मेरे wheat बोलने पे आपके मन में इमेज अल्फांजो का तो नहीं आया होगा. Okay, आपने crop जैसा ही सोचा होगा. Hence all these dog, cat, mammal, wheat, rice, plants, animals are convenient categories we use to study organisms. समझ में आए, आपको रेंज ऑफ कैट प्रेजेंट है धरती पे, रेंज ऑफ डॉग्स प्रेजेंट है, रेंज ऑफ मैमल्स हैं, रेंज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वीट्स हैं, राइस है, प्लांट्स हैं एंड एनिमल्स हैं. तो दे आर जस्ट अ ग्रुप टू स्टडी अबाउट द वीट, राइस, प्लांट, एनिमल, डॉग, मैमल, कैट. ओके, अब आपको पता है कैट, मैमल, डॉग ये सब आपके कहाँ गए, एनिमल के अंदर. Okay, our convenient categories we use to study the organism. The scientific term for these categories is taxa. Question hai beta. Aap group nahi keh sakte ho, scientific pucha jayega aur option mein diya hai, it is category, it is taxa, it is group, it is all. Correct option ho jayega taxa ya taxon. Here you must recognize that taxa can indicate categories at very different levels. Plants also form a taxa. जब आप plant बोल रहे हो तो वो भी एक taxa है. Wheat is also a taxa. Wheat बोला आपने तो वो भी एक taxa है. Similarly, animal, mammal, dog, or a taxa. But you know that a dog is a mammal and mammals are animal. पता है हमें? आप ग्रुप के एक एक लेवल की बात कर रहे हो तो भी वो टैक्सा है और डॉग एक मैमल है और मैमल्स एनिमल है. अब टैक्सा के अंदर टैक्सा आ रहा है तो हायरार्की आ जाएगी. ओके बेटा, जैसे हम कहें मैमल्स एनिमल है लेकिन ऑल एनिमल्स आर नॉट मैमल. डॉग इज मैमल, ओके, बट ऑल एनिमल्स आर नॉट मैमल. फिर यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑल मैमल्स आर नॉट डॉग, ये भी कह सकते हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा? तो टैक्सा के अंदर टैक्सा एक हायरार्की बनेगी. इज इट क्लियर? देयरफॉर एनिमल्स, मैमल्स एंड डॉग्स रिप्रेजेंट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल्स.
क्लियर है, अप्लाई तो कर दो। हेंस बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज टैक्सोनॉमी। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलोंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट, ये आप अंडरलाइन करोगे। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। एंड इसमें क्या क्या देखा गया? एक्सटर्नल मतलब मॉर्फोलॉजी, इंटरनल मीन्स एनाटॉमी, अलोंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल सेलुलर लेवल पे भी देख रहे हैं, डेवलपमेंट प्रोसेस ग्रोथ को भी देख रहे हैं, एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन हैबिटेट कहाँ पे वो है, किस तरीके से वो सर्वाइव कर रहा है। तो कई सारे कैटेगरीज, कई सारे कैरेक्टर्स के पेयर्स को देख के सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी को आइडेंटिफाई किया जाएगा, आर एसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी स्टडी। ओके, ब्रॉडली आप किसको कहोगे अगर, तो एक ओल्डेस्ट को आप आर्टिफिशियल बोलते हो, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एंड न्यू को नेचुरल बोलते। इसमें मोर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें लेस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फॉर कंपैरिजन। तो जितना आप ज्यादा कंपैरिजन करोगे, जितने ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स लोगे, उतना आप अच्छा क्लासिफाई कर पाओगे। कुछ कम कैरेक्टरिस्टिक्स में क्लासिफाई करोगे तो यू विल नॉट गेट द एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, हेंस कैरेक्टराइजेशन आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, ध्यान देना ठीक है, ये ओल्ड है, आर द प्रोसेस दैट आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी। आपको क्वेश्चन आएगा और राइट की भी उसकी आंसर की था, कैरेक्टराइजेशन आइडेंटिफिकेशन नॉमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं, सब मार्किंग चल रही है ना, सबके मार्किंग हो रही है ना, कहाँ पे मैंने क्या करेक्ट कराया वो भी ध्यान रखो बेटा। ओके गुड, टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू, एक आप हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताया था मैंने, इंसान पढ़ा लिखा हो या नहीं, साइंटिस्ट बना है या नहीं, लेकिन वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे सेग्रीगेट करना स्टार्ट कर दिया था। जैसे वाइल्ड एनिमल, किससे उसके जान को खतरा है तो वो उनसे दूर रहना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, पेट एनिमल जिससे वो दूध वगैरह ले रहा है तो वो उसको पालना स्टार्ट कर दिया था। ह्यूमन बींग हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू देयर ओन यूज। सेल्फ कॉन्सियस है ना बेटा, सेल्फ उसको बहुत है, सेल्फिश है ह्यूमन पूरा कंप्लीटली, नेचर नेचर ही है ह्यूमन का सेल्फिश होना। तो अपने ओन यूज के बेसिस पे उसने कैटेगरी क्लासिफाई करना स्टार्ट बहुत पहले ही कर लिया था। इन अर्ली डेज ह्यूमन बींग नीडेड टू फाइंड सोर्सेज फॉर देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर, उसके बेसिस पे वो क्लासिफाई करेगा। हेंस द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन द यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म। ओके, ह्यूमन बींग्स वर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर डाइवर्सिटीज, बट ऑल्सो द रिलेशनशिप अमंग देम। जब रिलेशनशिप की आइडेंटिफिकेशन और स्टार्ट कर दिया, मतलब साइंटिस्ट लोग आ गए, तो हम उसको क्या कह दिए, सिस्टमेटिक्स, सिस्टमा। कल भी बताया था इवोल्यूशनरी रिलेशन, टैक्सोनॉमी इज द क्लासिफिकेशन, एंड इफ टैक्सोनॉमी इंक्लूडेड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इट इज नोन एज द सिस्टमैटिक्स। सिंपल वन लाइन आंसर होता है इसका। द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टमा विच मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, अंडरलाइन कर लो। ओके, कल भी दिया था ये। लिनियस यूज सिस्टमा नेचुरे एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। 1, 2, 3, 4, 5 बहुत बार आ चुका है ये। दिस स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स वॉज लेटर इन लास्ट टू इंक्लूड। अब देखो बेटा, आइडेंटिफिकेशन नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन यही पे दिया हुआ है तुम्हारे एनसीईआरटी में ही, लेकिन बच्चे वो ऊपर वाले सीक्वेंस पे लेटर आ गया ना बेटा, लेटर इन लार्ज
मॉडिफाइड इंक्लूड, अब इसमें कैरेक्टराइजेशन नहीं दिया है तो कैरेक्टराइजेशन नोन है बेटा, कैरेक्टर तो सबसे पहले आएगा, सी आई एन सी, तो जब सी आई एन सी आता है तो बच्चे पहले वाले सीक्वेंस को कर देते हैं करेक्ट, कि एनसीईआरटी में तो ये दिया है, यहाँ सी हिडन है, सी कैरेक्टराइजेशन, उसके बेसिस पे आइडेंटिफिकेशन, देन नॉमेनक्लेचर, देन क्लासिफिकेशन, काम खत्म, नई डिस्कवरी हो गई। सिस्टमैटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट, अंडरलाइन करो, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, अगेन एमसीक्यू है आपका, चार पांच एमसीक्यू है इस पैराग्राफ में, 1, 2, 3, 4 लैटिन वर्ड सिस्टमा, ओके मार्क हो गया। गुड, नेक्स्ट देखते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। क्लासिफिकेशन इज अ नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी। पहला एमसीक्यू, ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी, सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट इट इज कॉल्ड द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। And all categories together constitute the taxonomic hierarchy. Her statement MCQ है। Rank, category, taxonomy कर रहे हो आप, arrangement कर रहे हो तो उसको taxonomic category कह दिया गया और सारे category के collection को hierarchy कर दिया। Clear है, ऐसे लिख लो, rank, group, taxon, कैटेगरी, सर ये सब एक लेवल पे बेटा, जब इनके कई सारे टैक्सोन कैटेगरी सबको आप मिला देते हो और उसकी एक हायरार्की बनाते हो तो उसको टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हो। इज इट क्लियर? ठीक है, और इसी कैटेगरी को आपने यहाँ पे क्या कह दिया, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ओके। ईच कैटेगरी रिफर टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, दिस इज एमसीक्यू अगेन, इनफैक्ट रिप्रेजेंट अ रैंक एंड इज कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सोन। अनदर फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनर, टैक्सोन इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, टैक्सोन कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी किंगडम, इट कुड बी फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ओके, और ऑल टैक्सोन टुगेदर नोन एज टैक्सोन, टैक्सोनॉमिक हायरार्की, टैक्सा का अरेंजमेंट टैक्सोनॉमिक हायरार्की, हर लेवल पे क्या है वो टैक्सोन है, सारे टैक्सोन को जोड़ दिया तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हो गई, कैटेगरीज को क्या बोल दिया, अरेंजमेंट ऑफ कैटेगरीज इन सिक्वेंशियल ऑर्डर इज नोन एज टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल, इंसेक्ट, अंडरलाइन कर लेना बेटा, इंसेक्ट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इंसेक्टा, ओके, शेयरिंग कॉमन फीचर्स लाइक थ्री पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ओके, थ्री पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग, टोटल पेयर, टोटल लेग सिक्स, इट मीन्स इंसेक्ट आर रिकॉग्नाइजेबल concrete object which can be classified and thus were given a rank or category. आप jointed leg के basis पे आप 6 jointed leg आपको दिख रहे हैं तो आप उसको कहाँ classify कर सकते हो, आप ये कह सकते हो कि अरे ये insecta में जाए, okay? Can you name other such group of organisms? Remember group represent category. Category further denotes rank. कैन यू नेम अदर सच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज, देखते हैं बेटा अभी कैट फैमिली को हम लोग देखते हैं, पूरा सोलेनेशी को देखेंगे, रिमेंबर ग्रुप रिप्रेजेंट कैटेगरी, कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक, ईच रैंक और टैक्सॉन इनफैक्ट रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन,
These taxonomic groups, categories are distinct biological entities. Underline karo. Distinct biological entities and not merely morphological aggregate. ये टैक्सोन मैंने कहा ना सभी ऑन पेपर है, एंटिटीज हैं, एंट्री हैं, आप उसको कह सकते हो कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन हमने एक बायोलॉजिकल ग्रुप बना रखा है. ओके मार्क रहना चाहिए बेटा. टैक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिज हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज सच एज किंगडम. अब आ गए आपके मुद्दे पे जो कल आपका चल रहा था. फाइलम, डिवीजन. डिवीजन कब है? प्लांट के केस में बेटा, ये ध्यान रखना है. अभी हमने आपको ह्यूमन का जो दिखाया था ना, दैट इज डिफरेंट डिवीजन, उससे नहीं कंफ्यूज होना. सेम हायरार्की पे डिवीजन वर्ड यूज होता है, मतलब फाइलम होगा या डिवीजन होगा. वहां पे फाइलम के नीचे डिवीजन आया था, तो एक हायरार्की नहीं हुआ था, एक लेवल पे नहीं था. तो फाइलम और डिवीजन, दिस इज क्वेश्चन, मार्क कर लेना. डिवीजन प्लांट के केस में यूज होता है, फाइलम एनिमल के केस में यूज होता है. देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज. देखो स्पीसीज जीनस में कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, किंगडम फाइलम के सीक्वेंस में कोई कंफ्यूजन नहीं होता. दो दो चार, चार सेट हो गए, बीच में बचता है आपका क्लास, ऑर्डर, फैमिली. इसको आप कॉफ से याद रख लो. ओके, जस्ट फाइलम के बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली. ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग दोज इन द प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम्स हैव स्पीसीज एज द लोएस्ट कैटेगरी. अगेन एमसीक्यू है, ये हम बता चुके हैं आपको, बट आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मार्क कर लो. स्पीसीज एज द लोएस्ट कैटेगरी. नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज इन वेरियस कैटेगरीज. ऑब्वियसली कैरेक्टराइजेशन, सिमिलरिटीज, डिसिमिलरिटी के बेसिस पर ही आप कैटेगरी डिसाइड करोगे. द बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर. स्टार्ट तो वहीं से हो रहा है. ओके, जैसे मैंने कल आपको स्नेक का एग्जाम्पल दिया था, भाई स्नेक दिखने के बाद तुम मुझे बताओगे तो पहला तो कैरेक्टर हम वहीं पर पहचान लेंगे कि तुम्हारे आँख के सामने जो एनिमल तुम देख रहे हो वो स्नेक की कैटेगरी. रेप्टाइल हो सकता है, स्नेक हो सकता है. तो कैरेक्टर सबसे पहले बेसिक है ऑफ एन इंडिविजुअल. आपको नॉलेज ही नहीं रहेगा, आपको किसी ने गलत पूरी जानकारी दे दी कि ये सपोज फिर से हम स्नैक की बात कर लेते हैं, किसी आपको छोटे से ऐसे बोला अरे नहीं ये काटता नहीं है, इससे कुछ नहीं होता, ये तो जस्ट रस्सी जैसा है, ठीक है, ये बहुत ह्यूमन फ्रेंडली है, इस तरीके की आपके पास नॉलेज गलत है. ठीक है, तो नॉलेज गलत आपको मिली है तो आप कैरेक्टर्स उसके गलत बता रहे. आई वॉज समझ में. तो रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर. इस पॉइंट को समझना. ऑफ एन इंडिविजुअल ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज. इसी तरीके से उस ग्रुप के, उस जीनस की, उस फैमिली की, उस ऑर्डर की अगर करेक्ट इंफॉर्मेशन होगी तभी आप उसको वेरियस कैटेगरीज में प्लेस कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज. दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज अमंग द इंडिविजुअल. जो मैच हो रहा होगा उसके अकॉर्डिंग ग्रुप डिसाइड हो जाएगा, जो मैच नहीं हो रहा है तो वो उसके अकॉर्डिंग सेपरेट ग्रुप में चला जाएगा, किसी और से मैच हो रहा होगा. ओके, कुछ नहीं मैच हो रहा होगा तो ऊपर देखेंगे, ऊपर देखेंगे तो फिर कुछ कॉमन जनरल फीचर्स रहेंगे, वहां ज्यादा क्लोजली रिलेटेड कैरेक्टर की नीड नहीं है, तो उन जनरल फीचर्स के बेसिस पे आप वहां पे प्लेस कर देते हो. अभी हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपको एक्सेप्शंस पढ़ाएंगे, ठीक है, कि एक्सेप्शंस क्यों है, यहाँ पे प्लेस क्यों है ये, क्योंकि मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स उनके आपस में मैच कर रहे हैं. ओके बेटा, तो अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज एज वेल एज ऑफ द अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज. जब आप कैरेक्टर देख रहे हो तो उसके बेसिस पे ही आप उसकी सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी को फाइंड करके ग्रुप कर सकते हो. यहाँ तक की कहानी क्लियर है? मार्क हो गई सर? ओके गुड.
अब एग्जामिनर का थोड़ा सा फेवरेट और क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, जो बीच बीच में एग्जाम्पल दिए हुए ना उससे रिलेटेड क्वेश्चन करता है। तो जस्ट आप स्पीसीज से देखना स्टार्ट करते हैं, मतलब लोअर कैटेगरी से हम हायर कैटेगरी की तरफ चलेंगे। ओके, तो टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज अ स्पीसीज। एक स्पीसीज की जितनी भी सब स्पीसीज होंगी उसमें सबसे ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स के मैच होने की पॉसिबिलिटी होगी, होगी ही वो आपस में 100 में से 90 कैरेक्टर को मैच शो करेंगे और 10 कैरेक्टर अप्रोक्सीमेटली हम बता रहे तुम्हें ऐसे ही कि अगर हम 100 कैरेक्टर पर लेते हैं तो 90 मैच हो जाएंगे आपस में और 10 डिफरेंट हो जाएंगे। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, क्योंकि वो एक जीनस के अंदर होंगे। ओके, बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस लेट अस कंसीडर। अभी ये कंसीडर वाले क्वेश्चन है बेटा, मैंगे फेरा इंडिका क्या होगा, मैंगो, सोलेनम ट्यूबरोसम, साइंटिफिक नेम है पोटैटो का, एंड पैंथेरा लियो, तीन ऑर्गेनिज्म पे लेके ये स्टडी कर रहे हैं, लायन। ओके, ऑल द थ्री नेम्स इंडिका ट्यूबरोसम एंड लियो अंडरलाइन करो, देखो इटैलिक्स में लिखा हुआ है बेटा, अंडरलाइन करना आप। रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का सेकेंड वर्ड जो होता है दैट रिप्रेजेंट स्पीसीज स्पेसिफिक एपिथेट। While the first word Mangifera, Solanum, Panthera are genera, generic names, are represent and represent another high level of taxon or category. अब आपको पता है genus अलग level है, species के just ऊपर है। Okay बच्चा, हो गया underline? इसमें कोई ऐसे rocket science नहीं है, simple information है कि Solanum tuberosum में tuberosum species है, Solanum genus है। पैंथेरा लियो में लियो स्पीसीज है, पैंथेरा जीनस है। ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट। जरूरी नहीं है कि हर जीनस में कई सारे स्पीसीज हों, हो सकता है कि उस जीनस में अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पीसीज वन भी हो सकता है और मोर देन वन भी हो सकता है बेटा। रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज, सबसे पहले तो उनकी मॉर्फोलॉजी हैबिटेट इन सब में सिमिलरिटी होगा, कभी वो इतना क्लोजली रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल पैंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टाइग्रिस, पैंथेरा जीनस पैंथेरा टाइग्रिस टाइगर के लिए, एंड सोलेनम इंक्लूड स्पीसीज लाइक नाइग्रम, ओके, एंड मेलनचिना, ये सोलेनम की स्पीसीज हो गई, तो जीनस आपको कॉमन दिख रहा है। ह्यूमन बीइंग बिलोंग टू द स्पीसीज सैपियंस व्हिच इज ग्रुप इन द जीनस होमो, द साइंटिफिक नेम दस फॉर ह्यूमन बीइंग इज रिटन होमो सैपियंस। बताई हुई इंफॉर्मेशन है सब, आप मार्क कर लो एग्जांपल। यहाँ तक क्लियर है सबको? गुड हो गया, मार्क हो गया। नेक्स्ट आ जाएगा आपका जीनस।
अब जीनस आपको पता है कि जीनस में क्या होगा कि सेम क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को ग्रुप कर दिया जाएगा. ओके तो देखो अब आप जीनस को अंडरलाइन कर लो बेटा, सेम लिंक से दोबारा ज्वाइन कर लेना लेक्चर एंड होते. जीनस कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज अंडरलाइन विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन. अब देखो ऊपर की तरफ मैंने कल बताया था कि कॉमन है, जनरल कैरेक्टर है. अगर सारे कैरेक्टर अभी ज्यादा ही मैच कर रहे होते तो वो स्पीसीज में चले जाते बेटा. अब कॉमन कैरेक्टर की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो पहले से कम, मतलब नंबर ऑफ स्पीसीज जो आपस में क्लोजली रिलेटेड हैं उससे कम कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करेंगे, सिमिलरिटीज मैच करेंगी कहाँ पे, जीनस में. लेकिन कुछ तो मैच कर रही है तो उन कुछ कम कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे उन स्पीसीज को जो क्लोजली रिलेटेड थी उनको एक ग्रुप में क्लासिफाई किया गया, स्टोर किया गया, ग्रुप किया गया, दैट इज जीनस. ओके ऑफ अदर जेनरा इन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनरा वी कैन से दैट जेनरा आर एग्रीगेट्स, अंडरलाइन दिस, ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज. जेनरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज. फॉर एग्जाम्पल पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू. ओके तो जेनरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज. फॉर एग्जाम्पल पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीसीज बट बोथ बिलोंग टू द जीनस सोलेना. सभी जीनस कौन से है, सोलेना. ओके लायन, लेपर्ड एंड टाइगर, पैंथेरा लियो, पैराडस एंड पर्डस एंड टाइग्रिस विद सेवरल कॉमन फीचर्स आर ऑल स्पीसीज ऑफ द जीनस पैंथेरा. दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस जिसको आप कैट फैमिली में आइए. ठीक है फेलाइस में, फेलिस में आपके कौन सी आ जाती है, कैट्स आ जाती है, बिल्ली, जो पालतू बिल्लियां होती है, बिल्ली बिल्ला ये सब यहाँ पे आते हैं. लेकिन आप क्लोजली इनमें देखो तो आपको बहुत सारा इनका मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी भी दिखेगी और ऑब्वियसली बिहेवियरल इनका स्ट्रक्चर, साइज, शेप, उसमें आपको वेरिएशंस भी दिखेंगे. ओके बच्चों तो एक जीनस यहाँ पे आपको पैंथेरम के साथ जो मैच कराया गया है दैट इज फिलेस. ओके क्लियर है. सोनेला ब्रिंजल, ब्रिंजल का बेटा अभी आया था ना साइंटिफिक नेम आपका मेलोनजिना. ठीक है प्रीवियस जीनस के साथ जो दिखा था ना ये ब्रिंजल है, अंडरलाइन कर लो यहाँ पे, लिख भी लो तुम दिस इज ब्रिंजल. माइग्रम टोमेटो जैसा ही होता है, एग्जैक्टली टोमेटो नहीं होता है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सिंपली. ठीक है थोड़े से जंगली टाइप के जो छोटे काले काले होते हैं तुम लोग पता नहीं देखे हो उनकी नहीं, वो आता है यहाँ पे. ओके चलो नेक्स्ट है फैमिली. फैमिली में क्या होगा, कॉमन जीनस, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स वाले जीनस, मतलब क्लोजली रिलेटेड जीनस को एक ग्रुप में ग्रुप कर दिया जाएगा तो दैट इज फैमिली. द नेक्स्ट कैटेगरी हायरार्की में हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटी. देखो नंबर ऑफ सिमिलरिटीज कम होती जा रही है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे वो सिमिलर होंगे. मतलब जैसे आपने स्टार्टिंग में 100 में से 90 मैच करा रहे थे तो अब आप कहाँ तक पहुंच चुके हो कि 100 में 50 मैच कर जाए, 40 मैच कर जाए तो भी बहुत है, इस तरीके से हो गया. ओके कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज तो ये ध्यान रखना लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज होती जा रही है ऊपर की तरफ. फैमिलीज आर कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव, अंडरलाइन दिस, एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट स्पीसीज. वेजिटेटिव मतलब उसका लीफ कैसा है, उसका रूट कैसा है, उसका शूट कैसा है, दिस इज वेजिटेटिव. उसका फ्लावर कैसा है, फ्रूट कैसा है, दिस इज रिप्रोडक्टिव. एमंग प्लांट्स फॉर एग्जाम्पल थ्री डिफरेंट जेनेरा, ध्यान से देखना, सोलेनम, पेटूनिया एंड धतूरा. सोलेनम, पेटूनिया एंड धतूरा आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलेनेसी. जो अभी आप ब्रिंजल, टोमेटो, पोटैटो का एग्जाम्पल देख रहे थे वो सोलेनम के अंदर थे.
ओके बेटा, अभी आप और ऊपर बढ़ रहे हो, फैमिली में आ गए, तो फैमिली इज सोलेनेसी, इसी के नाम से सोलेनम है, रिलेट हो जाता है, लेकिन पेटूनिया और धतूरा भी इसके अंदर आते हैं। तो जेनेरा क्या हो गया डिफरेंट, पेटूनिया धतूरा, तो सोलेनम के साथ जो आप सोलेनम को स्पीसीज से देख रहे थे, सोलेनम नाइग्रम देखा आपने, वहां से आप स्टार्ट किए थे, ट्यूब्रोसम नाइग्रम देखा आपने, वहां से आपने स्टार्ट किया, देन सोलेनम जेनरा देखा आपने। नाउ सोलेनम जेनरा के साथ और कौन से जेनरा उसके क्लोजली रिलेटेड होंगे जो फैमिली में है? तो सोलेनम फैमिली जो हो जाएगी सोलेनेसी, सोलेनेसी फैमिली के अंदर आपको तीन जेनरा यहाँ पे ध्यान रखना है, सोलेनम, पिटूनिया एंड धतूरा। यहां से क्वेश्चन निकाल लोगे तो तुम्हारे लिए बेटर रहेगा, अपने नोट्स में लिख लो, आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलेनेसी अमंग एनिमल्स, फॉर एग्जांपल पैंथेरा कंप्राइजिंग लायन टाइगर लेपर्ड इज पुट अलोंग विद द जीनस फेलिस कैट इन द फैमिली फेलिडी। फैमिली का नाम किससे आया, कैट, कैट के जीनस से। इतना हम आपको डिटेल में कहीं नहीं ले जाएंगे, आप उसमें मत जाओ कि नेम कैसे आया, जस्ट आपको जो एग्जांपल दिया ना बस आप इतना अंडरलाइन कर लो। तो जीनस फेलिस एंड पैंथेरा दे आर पुट टुगेदर इन द फैमिली फेलिडी। तो पैंथेरा की फैमिली आपको यहाँ पे मिल रही है फेलिडी, अगेन इसी तरीके से आप सोलेनेसी का जैसे लिखे हो एग्जाम्पल, उसी तरीके से आप इससे बुलेट मार्क करके निकाल लोगे फेलिडी, फेलिडी के अंदर आप कैट एंड पैंथेरा दोनों क्या है आपके जीनस। आपको मेन ये ध्यान रखना है कि जीनस क्या है, फैमिली क्या है, ये क्वेश्चन बनते हैं। और ऑब्वियसली पांच छह जो दिए हुए हैं ये सब एक मैच द कॉलम करके क्वेश्चन बन जाएगा, बड़ा क्वेश्चन लेंथी क्वेश्चन हो जाता है। सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व द फीचर्स ऑफ अ कैट एंड अ डॉग यू विल फाइंड सम सिमिलरिटी, आपको मिलेगी वहां पे भी सिमिलरिटी मिलेगी एंड सम डिफरेंस एज वेल, और डिफरेंस भी है। दे आर सेपरेटेड इन टू टू डिफरेंट फैमिली, तो अब दो फैमिली भी आपको ध्यान में रखना है, तो फेलिडी एंड कैनेडे। क्यों? क्योंकि आगे एक ग्रुप और आने वाला है ऑर्डर, तो एक ऑर्डर में क्लोजली रिलेटेड फैमिली को प्लेस किया जाएगा, तो फेलिडी एंड कैनेडे एक ऑर्डर में आ जाएंगे बेटा, फिर एक एक हायरार्की स्टेप आउट ऊपर। समझ में आया? अब डॉग फैमिली में आपके लॉयन, लॉयन बोल रहे हैं, लोमड़ी, फॉक्स, ठीक है, हाइना, डॉग, ये सब आ जाते हैं वहां पर। नेक्स्ट है ऑर्डर, क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज को यहाँ रख दिया जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। यू हैव सीन अर्लियर दैट कैटेगरीज लाइक स्पीसीज जीनस एंड फैमिलीज आर बेस्ड ऑन अ नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स। Generally, order and other higher taxonomic categories are identified based on the aggregates character. अब character की similarity कम होगी तो कुछ common features पे ही वो aggregation of characters को देखते हुए, ठीक है, जैसे चार पैर हैं, ठीक है, दांतों का दांत कैसे हैं, इस तरीके के characteristics को देखते हुए वो aggregate करते जाएंगे। Order being a higher category, order से category का higher है, ठीक है, क्लास फाइलम ये सब हायर कैटेगरी है, एक क्लास में बहुत सारे एनिमल्स हैं बेटा। ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी इज द असेंबलीज ऑफ फैमिलीज व्हिच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर। एक ऐसी फैमिली का ग्रुप है जिनके बीच में बहुत कम कैरेक्टरिस्टिक सिमिलरिटी को शो करते हैं, तो मोर सिमिलरिटी टुवर्ड द स्पीसीज, लेस सिमिलरिटी टुवर्ड द किंगडम। मोस्ट सिमिलरिटी टुवर्ड्स द स्पीसीज, मोर जनरल, आप बोल रहे हो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स टुवर्ड्स द किंगडम। द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कंपेयर टू डिफरेंट जेनरा इंक्लूडेड इन अ फैमिली। बार बार हम रिपीट कर रहे हैं इससे रिलेटेड, तो इस चैप्टर से तो कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए बेटा। प्लांट फैमिलीज लाइक कॉन्वोल्विकेलेसी, ये आप याद रखो बेटा थोड़ा, अब प्लांट फैमिली को भी आपको क्लोज लाना है। सोलेनेसी आर इंक्लूडेड, सोलेनेसी जो आपने पहले देखा था आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। ऑर्डर का आइडेंटिफिकेशन होता है बेटा एल्स, फैमिली का आइडेंटिफिकेशन होता है एसी, मतलब मोस्ट ऑफ द केस में, ये भी कहीं नोट कर लो, फैमिली के आगे आपको एसी लिखा हुआ मिलेगा एंड
ऑर्डर के केस में ए एल ई एस लिखा देगा, मतलब सफिक्स समझ लो आप। एक हम लिस्ट दे देंगे इसका भी आप। ओके, इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर। अब कुछ ही कैरेक्टर देखना है आपको, तो फ्लोरल कैरेक्टर, नंबर ऑफ पेटल, नंबर ऑफ सेपल, किस तरीके से अरेंजमेंट है, फ्लावर का एस्टिवेशन कैसा है, एनुशियम कैसा है, रिंग कैसी है, ये देखते हैं आप। तो फ्लोरल कैरेक्टर के बेसिस पे मैच कर लिए। द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा, अब देखो कार्निवोरा इंक्लूड्स फैमिली फेलिडी एंड कैनिडी। कैनिडी और फेलिडी दोनों ही क्या है, कार्निवोर्स है। तो एनिमल्स का ऑर्डर किस में आ गया, ये कार्निवोरा में। यहां से ये क्वेश्चन बन गया आपका। इसको नोट्स से एकदम आप बुलेट फॉर्म में लिख लो, जो सारे एग्जांपल निकाल के लिख लेना क्या ऑर्डर है, क्या फैमिली है। नाउ व्हाट, क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर को प्लेस कर देंगे किस क्लास में, किस कैटेगरी में, क्लास में। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स, फॉर एग्जांपल ऑर्डर प्राइमेटा, जिसमें आप भी आते हो, कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला एंड गिबन इज, एग्जांपल ध्यान रखना, प्लेस्ड इन क्लास मैमेलिया अलोंग विद द ऑर्डर कार्निवोरा, जिसमें आपका कैनिडी और फिलिडी आए थे, उसके साथ साथ और भी एनिमल्स ऐड हो गए। तो यू कैन सी क्लियरली कि अब ऑर्डर में कई सारे क्लास में कई सारे ऑर्डर ऐड है, और ऑब्वियसली वो अलग अलग हो गया। कहां मैमल्स में, इधर आप देखो मैमेलिया में, आप देखो ये सारे रेंज आ गए, लेकिन आप मंकी देख लो, गिबन देख लो, गोरिल्ला देख लो, और एक साइड में आप पूरी कैट फैमिली देख लो। बहुत क्लोज रिलेशन तो है नहीं इनमें, लेकिन डिस्टेंटली दे आर रिलेटेड, दैट्स व्हाई दे आर इन अ ग्रुप ऑफ क्लास। क्लास मैमेलिया हैज एनिमल्स लाइक टाइगर, कैट, डॉग। क्लास मैमेलिया हैज अदर ऑर्डर्स आल्सो, ऑब्वियसली ऑर्डर तो है वहां पे और भी। फाइलम, क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर क्लासेस को अगर हम प्लेस करें ग्रुप में, तो ग्रुप हो जाएगा फाइलम। क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड अलोंग विद मैमल्स कॉन्स्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर कैटेगरी कॉल्ड फाइलम। क्या क्या आ गया इसमें, फिशेस दिख रही है आपको, पाइसेस हो जाएंगे, एम्फीबियंस हो जाएंगे, रेप्टाइल्स, बर्ड अलोंग विद मैमल्स कॉन्स्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर कैटेगरी कॉल्ड फाइलम। All this based on the common feature like presence of notochord. क्या होता है notochord, वो होता है जो embryonic time में एक characteristics है, और ये development के time में जो आपकी vertebral column बना है, जो आपका skeleton system बना है, उसको बनाने में help, मतलब develop होती है उसमें, तो notochord presence है। And dorsal hollow neural system, जिससे आपका नर्वस सिस्टम डेवलप होता है। तो दीज आर एम्ब्रियोनल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आपको आएगा क्लासिफिकेशन में, पढ़ना होगा एनिमल किंगडम में पढ़ोगे आप। आर इंक्लूडेड इन फाइलम कॉर्डेटा। ओके बेटा, तो कॉर्डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हॉरो न्यूरल सिस्टम, प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल, ठीक है, गिल स्लिट्स, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो अब देख लो आपकी कुछ बहुत बड़ी बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स क्लोजली रिलेटेड हो या ना हो, लेकिन वो छोटे बड़े वाले कैरेक्टरिस्टिक को अगर सब में नोटोकॉर्ड है, सब में वर्टिब्रल कॉलम है, तो यू कैन से दे आर वर्टिब्रेटा, दे आर कॉर्डेटा। ओके बेटा, अब वर्टिब्रेटा अलग हो जाएगा, नोटोकॉर्ड किस तरीके से डेवलप हुआ है उसमें हम अभी नहीं जा रहे, जब आप क्लासिफिकेशन देखोगे एनिमल्स तब बात करेंगे वहां। तो इन केस ऑफ प्लांट्स क्लासेस विद अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइंड टू अ हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन। प्लांट के केस में लिखा हुआ इसलिए डिवीजन दे दिया बेटा। नेक्स्ट है किंगडम, ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइलम आर असाइंड टू द हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम एनिमेलिया। एनिमल होंगे तो एनिमेलिया में जाएंगे इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स। सेम वे में प्लांट होंगे तो प्लांटे में जाएंगे। ऑन द अदर हैंड इज डिस्टिंक्ट एंड कंप्राइजेस ऑल द प्लांट्स। अब क्या ये प्लांट की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को ही तो देख रहा होगा ना बेटा,
या बहुत क्लोजली रिलेटेड, ये तो नहीं देखेगा कि फ्लावर कैसा बन रहा है, फ्रूट कैसा बन रहा है। प्लांटिंग मतलब फोटोसिंथेसिस कर रहा है क्या, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है क्या, ऑटोट्रॉफिक है क्या, तो बहुत जनरल फीचर्स देख लिया और उसको प्लांट में प्लेस कर दिया। ओके बेटा, तो हायरार्की जैसे जैसे देखा आपने, हायरार्की बढ़ती गई, उतने आपने फ्यू कैरेक्टर पे मैच किया और उसको एक ग्रुप में रख दिया। ऑन अदर हैंड इज डिस्टिंक्ट एंड कंप्राइजेस ऑल प्लांट्स फ्रॉम वेरियस डिविजन्स। हेंसफोर्थ वी विल रिफर टू दीज टू ग्रुप्स एज एनिमल एंड प्लांट किंगडम। ओके, मार्किंग हो गई पूरी। सारे एग्जाम्पल्स को आप राइट डाउन करोगे, वो आज का होमवर्क है। सभी एग्जाम्पल्स को आप लिखोगे, जैसे स्पीसीज में क्या क्या एग्जाम्पल आए हैं, जीनस में क्या एग्जाम्पल आए, फिर आपका जीनस के बाद फैमिली में क्या आया, ऑर्डर में क्या आया, क्लास में क्या एग्जाम्पल आए। तो इस तरीके से आप हायरार्की तक पूरा जाते हुए देखोगे कि फाइलम किंगडम तक आप किस तरीके से एग्जाम्पल्स को देखें। सिर्फ एग्जाम्पल्स, साइंटिफिक नेम और एग्जाम्पल इस तरीके से लिखोगे, जैसे मैंने बोला कि कैनेडी एंड फिलिडी, तो ऐसे ऐसे लगा लेना कर्सिव एंड इनको फैमिली लिख देना, क्लास लिख देना इनका कार्निवोरा। ठीक है, फैमिली तो वो खुद ही है, क्लास आ जाएगा कार्निवोरा, ऑर्डर आएगा कार्निवोरा। क्लियर है? आप आज थोड़ी सी मेहनत कर लेना इसको लिखने में, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं क्योंकि, और वही आपका होमवर्क हो जाएगा। और पैरेलली आप अपना सेल डिवीजन के एमसीक्यूज करते रहो। द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, देखो बेटा इसमें हम कुछ इंटरेस्ट ऐसे तो नहीं बना देंगे, दिस इज लाइक, यहाँ पे कुछ ना हम फंडामेंटल समझा सकते हैं, ना कोई मैकेनिज्म समझा सकते हैं, जस्ट आप ग्रुपिंग कर रहे हो तो बोरिंग जरूर लगता है, लेकिन मार्क्स दिलाता है बेटा, क्वालिफाई कराता है, तो क्यों क्यों गलत करें इसको। और मैंने पहले ही दिन बताया था चैप्टर के स्टार्टिंग में कि ये ऐसे चैप्टर है जहां से पूरा इंडिया सही करके आता है, तो ये आपका रैंक डिसाइडेड चैप्टर नहीं है, लेकिन ये आपका क्वालिफाइंग चैप्टर है। द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम हैव बीन शोन इन असेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस विद स्पीसीज इन फिगर 1.1। आप देखो एनसीईआरटी में फिगर एक दिया होगा, उसमें हायरार्की पूरी अरेंज होगी। एक मिनट वेट करो तो हम क्रॉप कर देते हैं। आपको मिल गया होगा एनसीईआरटी में फेज नंबर 10 पे फिगर 1.1, एनसीईआरटी का पहला इमेज है, पहले चैप्टर का पहला इमेज, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है यहां से सीक्वेंस को लेके। देखा, ओके, जस्ट आप देखो अब इसकी हायरार्की, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी शोइंग हायरार्कियल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग डिसेंडिंग तो पता ही हो बेटा, बढ़ते हुए घटते हुए, बढ़ते हुए ही है ये, स्पीसीज से स्टार्ट किया हमने, स्पीसीज को फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स एंड देन सेवेंथ। Here more general, more specific, कुछ चीजें जो मैं लिख रही हूँ आपके पास भी लिखी होनी चाहिए, पेंसिल से उसी इमेज में लिख लो। Few characters similar, few characters, या लिख सकते हो similarities in few characters. यहाँ डिसिमिलरिटी कम होगी, ऊपर सिमिलरिटी कम होगी, मोर कैरेक्टर सिमिलर, मोर डिसिमिलर।
ओके, लेस डिसिमिलर थिंग्स। क्लियर है बेटा? अरे हाँ या ना, जल्दी बोलो। कल लास्ट लेक्चर रहेगा, इस चैप्टर को फिनिश करेंगे कल। ओके गुड, ग्रुपिंग सबको समझ में आ गई। क्लोजली रिलेटेड सब स्पीसीज कहाँ है? स्पीसीज में। क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जीनस में, क्लोजली रिलेटेड जीनस फैमिली में, क्लोजली रिलेटेड फैमिली ऑर्डर में, क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर क्लास में, क्लोजली रिलेटेड क्लास एनिमल के केस में, यहीं पे लिख लो एनिमल, यहाँ पे लिख लो प्लांट, ये सब क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। क्लोजली रिलेटेड क्लास फाइलम में, एंड क्लोजली रिलेटेड फाइलम और डिविजन कहाँ है? किंगडम में। किंगडम के ऊपर भी आ जाता है डोमेन। चलो, these are broad categories. However, taxonomists have also developed sub categories, जो मैंने आपको human के classification दिखा के पूरा एकदम दिखाया आपको starting में आज। In this hierarchy, to facilitate more sound and scientific placement of various taxa. Look at the hierarchy in figure 1.1. Can you recall the basis of arrangement? Characteristics, comparison, identification, that is the basis of arrangement. Say for example, as we go higher from species to kingdom, the number of character higher from species to kingdom, number of character kya honge? Decrease honge. Decreasing. Lower the taxa, more are the characteristics that members within the taxon share. ठीक है, उसके नीचे जस्ट नीचे के कैरेक्टर जो भी टैक्सॉन होगी उसमें ज्यादा कंपैरेटिव कैरेक्टरिस्टिक सिमिलरिटी शो करेंगे, और उसके ऊपर जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ ले बेटा, फिर से देखो यहाँ पे जरा, ऑर्डर और क्लास में किसमें ज्यादा, चलो बताओ किसमें ज्यादा सिमिलरिटीज होंगी? ऑर्डर को मैं ए देती हूँ, क्लास को मैं बी देती हूँ, विच टैक्सॉन विच ग्रुप शोज मोर सिमिलरिटीज? आंसर ए और बी। सोहिनी सिद्धि शायना ज्याना इरा ए ए ए ए ए ए करेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया। जो भी नीचे वाला होगा उस पर्टिकुलर कंपैरिजन में फाइलम और क्लास, तुरंत क्लास आ जाएगा आंसर। ये तो इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। Higher the category, greater is the difficulty of determining. Higher the category, greater is the difficulty of determining the relationship to other taxa at the same level. क्योंकि अब वो closely related नहीं है, तो difficulty तो होगी। Okay? जितने आप hierarchy में जाओगे, उतने difficulty बढ़ती जाएगी। Hence, the problem of classification becomes more complex in higher category. ये question है बेटा, ये statement है, true and false पूछा जाता है यहाँ से। Higher the category, greater is the difficulty of determining the relationship to other taxa. ऊपर वाले या नीचे वाले में आप relationship maintain नहीं कर सकते, difficulty होगी। क्यों? क्योंकि they are not very closely related. They are generally related. Few characteristics are similar from the above and lower. जैसे अगेन यहाँ पे देखो आप, family की कुछ characteristics, family में जो group होंगे वो common genus के होंगे, तो जीनस के साइड में इनमें मोर क्लोजली रिलेटेड फैक्टर्स होंगे, फीचर्स होंगे। ऑर्डर के साइड के रेफरेंस में इसमें लेस क्लोजली रिलेटेड होंगे। अब ये टेम यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन कर देता है, बस मेहनत उसकी खत्म हो जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपको फोर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं बेटा, बायोलॉजिकल नेम, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम। अब होमो सेपियंस तो किसी को नहीं भूलना है, मैंगीफेरा इंडिका भूलता नहीं है, बचता है आपका मस्का डोमेस्टिका, ट्रिटिकम। इस साल भी एग्जांपल यहाँ से क्वेश्चन आया था, तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज टू विच सम कॉमन ऑर्गेनिज्म लाइक हाउस फ्लाई, मैन, मैंगो एंड वीट बिलोंग। ओके बच्चा, तो होमो सेपियंस, जीनस होमो, फैमिली होमिनिडी, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मैमेलिया, डिविजन सॉरी फाइलम कॉर्डेटा। हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका साइंटिफिक नेम हो गया। ओके,
मस्का जीनस डोमेस्टिका स्पीसीज. अब बोलोगे यहाँ स्पीसीज नहीं लिखा है, दिस इज स्पीसीज बेटा. एस्टिवम इंडिका डोमेस्टिका सेपियंस दिस इज स्पीसीज. आप यहाँ पे सिंपल पेंसिल चलाओ, कोई जरूरत नहीं है आपको 2 2 4 पढ़ना पड़ रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लो, बाद में मौका नहीं मिलता फिर. ठीक है, म्यूसिडी फैमिली में कोई दिक्कत नहीं आती, मस्का से म्यूसिडी आप पकड़ लोगे तुरंत. डिप्टेरा इंसेक्टा, इंसेक्टा में भी कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्थ्रोपोडा में भी कोई दिक्कत नहीं है. जो आपको याद रखना है दैट इज ऑर्डर ऑफ हाउस फ्लाई. देखो यहाँ पे मैंने बोला इसमें चारों पांचों में कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी क्लासिफिकेशन तो याद ही रख सकते हो बेटा. ओके, मैंगीफेरा इंडिकेओ में, मैंगीफेरा में कोई दिक्कत नहीं है, इंडिका में कोई दिक्कत नहीं है, वो याद रहता है आपको. एंजियोस्पर्म में कोई दिक्कत नहीं है, डाइकॉट में कोई दिक्कत नहीं है. अभी आप जब प्लांट किंगडम पढ़ोगे मेरे से, मॉर्फोलॉजी पढ़ोगे, तो बार बार एंजियोस्पर्म जिसमें भी फ्लावर बनता है वो एंजियोस्पर्म में आ जाता है, और जो मैंगो है इसमें डाइकॉट होता है. मतलब मैं एंजियोस्पर्म की क्लास क्या क्या होती है, डाइकॉट एंड मोनोकॉट. तो आप कभी देखो आम का जो बीज आप समझते हो ना, दैट इज एक्चुअली नॉट बीज. इसको तोड़ते हैं तो इसके अंदर से बीज निकलता है, और इस बीज को आप ऐसे ओपन कर सकते हो. तो मोस्ट ऑफ द जो सीड आपके 2 पार्ट में ओपन हो जाते हैं, दैट आर डाइकॉट. चना हो गया, आपकी पल्सेस हो गई, ये सभी किसमें आ जाती है, आपके डाइकॉट. पीनट हो गया जो इजली टूट जा रहा है. वीट मोनोकॉट, राइस मोनोकॉट, जो तोड़ते नहीं हो, जिस बीज को आप तोड़ नहीं रहे हो, ग्रेन बोलो बीज बोलो एक ही बात है. तो ये दोनों तो याद हो जाएंगे जैसे जैसे आप आगे प्लांट की पढ़ाई करोगे. अब मुश्किल कहाँ आती है, सेपेंडल्स भी आप एस देख के पहचान सकते हो, मुश्किल आएगी यहाँ पे. तो इसके लिए डिप्टेरा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए एनाकार्डियसी इंपॉर्टेंट है. ओके, ट्राइटिकम एस्टिवम साइंटिफिक नेम ऑफ वीट, ट्राइटिकम जीनस याद ही रहेगा, यहाँ पे दिया ही हुआ है. पोएसी भी याद रहता है, फैमिली यहाँ कुछ दिक्कत नहीं है. पोएस पोएसी सब रिलेटेड है, जो सबसे टफ है ये दोनों है, डिप्टेरा एंड एनाकार्डियसी. पोएसी फैमिली पोएसी पोएस मोनोकोटिलेडॉन, अभी मैंने बताया वीट को आप इजिली 2 पार्ट में नहीं तोड़ अलग नहीं कर सकते हो. हाँ तोड़ जरूर सकते हो, ठीक है, जैसे मूंगफली का दाना आप खोल सकते हो, मटर का दाना आप खोल सकते हो. समझ रहे हो हम क्या बता रहे हैं, 2 पार्ट में आप इजली उसको, नेचर ने ही 2 पार्ट दिया हुआ है, तो दे आर डाइकॉट, और जो नहीं टूट रहा है वो मोनोकॉट में आ जाते हैं. आप कॉर्न को देखो, कॉर्न इज आपको एग्जाम्पल में कॉर्न ही पढ़ना है, कैसा है ये मोनोकॉट है, आप नहीं तोड़ पाते हो इसको. ओके, इज इट क्लियर, सभी पॉइंट्स क्लियर हैं. जैसे देखो यहाँ पे बेटा पॉइंट लिखे हुए ना, ये पॉइंट लिखे ना एग्जाम्पल, इस तरीके को लिखने के लिए मैंने आपको होमवर्क बोला है आज. ये इस तरीके से आप लिख लेना, किसके अंदर क्या इंक्लूड है, प्रिपेयर हो जाएगा आपका. फिर वो टेबल है, बस इतनी ही चीजें हैं यहाँ पे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी वाले पार्ट में. सिक्वेंस आपको समझ में आ गया, हायरार्की लोअर यूनिट्स ये सारी चीजें समझ में आ गई, जनरल कैरेक्टर स्पेसिफिक कैरेक्टर ये समझ में आ गया, कौन किसके अंदर है, सब स्पीसीज हो सकता है, सब क्लास हो सकता है, सब ऑर्डर सब फैमिली हो सकता है, बट आपके अकॉर्डिंग 7 हायरार्की कैरेक्टरिस्टिक्स है. अभी आपको 7 रैंक में पढ़ना है, लोवेस्ट इज स्पीसीज एंड हाईएस्ट इज किंगडम. ओके बेटा, चलो इतना रिवाइज करना. अब बस लास्ट पोर्शन इस चैप्टर का, दैट इज टैक्सोनॉमिक एड. टैक्सोनॉमिक एड में क्या देखना है आपको, टैक्सोनॉमी करने के लिए किन चीजों की आप हेल्प लेते हो. तो आपके रेंज ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं बेटा वो हायरार्की कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जो आपको टेबल दिया यहां से, एंड फाइनली आता है टैक्सोनॉमिकल एड से. एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, कल लास्ट लेक्चर रहेगा, ये रिवाइज कर लो, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, कुछ भी डाउट हो तो पूछना. चलो बाय बाय, गुड डे.